I am Miss Irem Zahra from KGLO. Students, I hope you are good. First of all, we will do English work. आज हम अपना English का काम start करेंगे. So take out English 1 copy. आप सब अपनी English 1 की copy open करें. और first of all, we will write date here 14/12. And then you will write CW. And you will write Monday, M-O-N-D-A-Y. What are the spelling of Monday? M-O-N-D-A-Y, Monday. Now we will write heading. अब हम heading लिखेंगे. जैसे मैंने यहाँ पर write की हुई है, make 5 words from O. आज का जो हमारा काम है, वो हम 5 words बनाएंगे O से. आज हमने किसे वर्ड्स बनाने हैं? ओ से. तो अब आप सोचेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स ओ से बनते हैं. तो नाउ रीड इट अगेन. मेक 5 वर्ड्स फ्रॉम ओ. ओके स्टूडेंट्स, हमने ए से लेकर एन तक वर्ड्स पहले भी हम बना चुके हैं और आपने वर्कबुक पे पिक्चर के साथ बनाए हुए हैं. लेकिन आपको पता है कि आपकी वर्कबुक्स नहीं है, तो हम ये वर्ड्स कॉपी पे बनाएंगे. और आपने ओ से भी कॉपी पर आसान वर्ड बनाने हैं, चाहे वो 3 लेटर्स वर्ड हो, 2 लेटर्स वर्ड हो, लेकिन आपको उसके स्पेलिंग आने चाहिए. तो अब हम सोचते हैं कि सबसे इजीएस्ट वर्ड ओ से कौन से हो सकते हैं. तो आप सोचें, तो मुझे समझ में आ रहा है ओ से हमारा फर्स्ट वर्ड हम बनाएंगे ऑन. ऑन ओ हम 3 लाइंस में लिखेंगे, यानी कैपिटल ओ होगा और एन स्मॉल लेटर में होगा. ऑन, ऑन मीन यानी लाइट्स ऑन करना, कंप्यूटर ऑन करना, यानी कि इसी तरीके से आप कोई भी चीज खोल सकते हैं. ऑन का मतलब होता है खोलना. ओके, ऑन हम एक ग्रामर के तौर पर भी यूज करते हैं. जैसे टेबल पर कोई चीज रखी हो तो हम कहते हैं बुक ऑन द टेबल. और अगर टेबल पर पेंसिल होगी तो हम कहेंगे पेंसिल ऑन द टेबल. तो हमारा फर्स्ट वर्ड है ऑन. फर्स्ट वर्ड है ऑन. अब सेकंड वर्ड है ऑफ. ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ. ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना, जैसे लाइट्स ऑफ कर देना, कंप्यूटर ऑफ कर देना. तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ. अब थर्ड वर्ड हम बनाएंगे आउट. आउट, ओ यू टी, आउट. आउट के मतलब जो है वो आउट मीन बाहर आना. और आउट मीन जैसे हम गेम्स में कहते हैं कि ये आउट हो गया है, गेम से बाहर हो गया है, तो इस तरह आउट ये इजी वर्ड है. और इसके स्पेलिंग क्या है? ओ यू टी, आउट. फोर्थ हमारा है वन. वन आपने ये वर्ड्स में भी पढ़ा हुआ है. राइटिंग वर्ड्स हम जब पढ़ते हैं वन, ओ एन ई वन, टी डब्ल्यू टू, टी एच आर डब्ल्यू थ्री, तो ये हमारा वर्ड उसमें भी है. वन, वन का मतलब होता है एक. वन मीन एक. ओके, अब हमारा लास्ट वर्ड है आउ. हमारा लास्ट वर्ड है आउ, ओ डब्ल्यू एल, आउल. आउल मीन, आउल एक परिंदा है. आउल मीन उल्लू, एक परिंदे का नेम है आउल. अब हम इसको पढ़ेंगे दोबारा से. लेट स्टार्ट. मेक 5 वर्ड्स फ्रॉम ओ. अब आप हेडिंग को खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे. मेक 5 वर्ड्स फ्रॉम ओ. ऑन, ऑफ, आउट, वन, आउल. ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी ओ से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, लेकिन मैंने आपको सबसे इजीएस्ट वर्ड बताए हैं. आप इसके अलावा भी ओ से वर्ड बना सकते हैं, जैसे ओ से ओवर, और, ऑक्स, ओट्स, और इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं. लेकिन जो आप जिनके स्पेलिंग लर्न कर सकें वो वर्ड यहाँ पर राइट कीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब हम पीटर एंड जेन पढ़ेंगे. ओपन पेज नंबर 22.
आज हम पेज नंबर 22 पर क्या देख रहे हैं कि पीटर एंड जेन क्या आज एक्टिविटी कर रहे हैं। वो पीटर एंड जेन बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अब वो बेड पर सोने के लिए जा रहे हैं और वो अपनी मम्मी के साथ बेड को रेडी कर रहे हैं। जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि पीटर एंड जेन अपनी मम्मी के साथ बेड को रेडी कर रहे हैं। और पहले उन्होंने जो काम किया था, पीटर ने अपने डैडी के साथ कार में हेल्प की थी और यहाँ पर मम्मी ने घर में अपनी मम्मी मतलब जेन ने मम्मी के साथ हेल्प की थी। तो वो सारा दिन काम करके थक गए हैं और अब वो सोने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 22 पढ़ेंगे। लेट्स रीड विद मी। द चिल्ड्रन हैव टू वर्क। Peter has to help Daddy work with the car. Jane has to help Mummy work in the house. She and Peter like to help Mummy work. It is good to work and it is good to play, says Mummy. Let us put the play things away and then water the flowers. Then we will make the beds, she says. New words are work, away, work, away. Now read it again. The children have to work. Peter has to help Daddy work with the car. Jane has to help Mummy work in the house. She and Peter like to help Mummy work. It is good to work and it is good to play, says Mummy. Let us put the playthings away and then water the flowers. Then we will make the birds, she says. Okay students, अब आपने इस पेज को बहुत अच्छे से रीड करना है और जिस दिन आपको सेंड करना होगा उस दिन अपना ऑडियो या वीडियो क्लिप टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।